दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। कौन से कोर्स ऑफर करते हैं ये कॉलेज, फीस कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम, एवरेज सैलरी फॉर फ्रेशर, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट एटसेट्रा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दें ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए। तो नंबर वन पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा, इसे IHM पूसा भी कहते हैं, जो कि है न्यू दिल्ली में। कौन से कोर्स ये ऑफर करता है, इसमें है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट जो 3 साल का है, MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड हॉस्पिटल फूड सर्विसेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकोमोडेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, NCHMCTG नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे आप दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो 10+2 चाहिए इंग्लिश के साथ। टेस्ट पैटर्न पे आ जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एंड लॉजिकल डायरेक्शन के 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 30 मार्क्स के होते हैं, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज के 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं इनकरेक्ट आंसर पे माइनस मार्किंग भी है। फीस पे आ जाते हैं तो इस कॉलेज की होटल मैनेजमेंट की फीस 3.5 लाख से 4 लाख रुपए है पूरे कोर्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं तो मई से शुरू होती है रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस एग्जाम जून में होता है, वहीं रिजल्ट आ जाता है जून के एंड तक और काउंसलिंग होती है अगस्त तक, वहीं न्यू सेशन जो होता है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। प्लेसमेंट पे आ जाते हैं तो 100% प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, अच्छी फैकल्टी है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कॉलेज गवर्नमेंट है जो कि एफिलेटेड है इग्नू और NCHMCT से। नंबर दो पे आ जाता है वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट मणिपाल, जो कि है कर्नाटका में। कोर्स ये ऑफर करता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM जो कि 4 साल का है, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि 2 साल का है। ये सारे कॉलेज और भी कोर्स करवाते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं केवल होटल मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो आ जाते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम। तो ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ये केवल मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम पे आ जाते हैं तो ये मेरिट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है, तो ये मेरिट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर पैनल इंटरव्यू होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके द्वारा एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी के लिए 10+2 आपको होना चाहिए 45% मिनिमम मार्क्स के साथ। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई मोड ऑनलाइन है केवल, इसके लिए आपको विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे जो कि है manipal.edu। अप्लाई की लास्ट डेट होती है 30 मई, मई के लास्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट 100% है, एक प्राइवेट कॉलेज है जो सेल्फ एफिलेटेड है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और मणिपाल यूनिवर्सिटी ACU, UGC, NAAC, PCI, AIU से एफिलेटेड है। फीस पे आ जाते हैं तो 9 से 10 लाख रुपए पूरे कोर्स की फीस है। नंबर 3 पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन मुंबई में है, जो कि जिसे कहते हैं IHM मुंबई। कोर्स पे आ जाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं BSc डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का है, मास्टर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का कोर्स, डिप्लोमा कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन में। एंट्रेंस एग्जाम पे आ जाते हैं तो NCHMCTJEE नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। एलिजिबिलिटी है 10+2, इंग्लिश जरूरी है। टेस्ट पैटर्न पे आ जाते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और लॉजिकल डिडक्शन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं, वहीं इनकरेक्ट आंसर पे 1 नंबर माइनस मार्किंग है। फीस पे आ जाते हैं तो 2,86,000 रुपए समथिंग फीस है इसकी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं तो मई से स्टार्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट जून में होता है, रिजल्ट इन जुलाई तक आ जाता है, वहीं काउंसलिंग अगस्त तक होती है और अगस्त के लास्ट तक सेशन शुरू हो जाता है। प्लेसमेंट पे आ जाते हैं तो 100% प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है इग्नू और NCHMCT से। नंबर 4 पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बैंगलोर, जिसे हम IHM बैंगलोर भी कहते हैं। कोर्स यहाँ पे होते हैं BSc हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का है, MSc हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का है। एंट्रेंस एग्जाम पे आ जाते हैं तो NCHMCTZEE एग्जाम दे सकते हैं जो कि नेशनल लेवल पे है। एलिजिबिलिटी है इसकी 10+2, इंग्लिश जरूरी है। टेस्ट पैटर्न भी सेम है इसका। इस पे आ जाते हैं तो 3 लाख रुपए है होटल मैनेजमेंट की फीस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मई से शुरू होता है जो कि जून, एंट्रेंस टेस्ट होता है जुलाई तक, रिजल्ट आता है, वहीं काउंसलिंग अगस्त से होती है और सेशन भी अगस्त में शुरू हो जाता है। ये भी 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है और यहाँ पे प्लेसमेंट 100% होता भी है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है इग्नू और NCHMCT से। नंबर 5 पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन हैदराबाद, IHM हैदराबाद।
कोर्स ये ऑफर करता है बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का कोर्स है। एंट्रेंस एग्जाम पे आ जाते हैं तो यहाँ पे IIHM ईचैट एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन हॉस्पिटैलिटी एडमिशन टेस्ट या NCHMCT JEE एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसमें 60 मिनट का पेपर होता है, 45 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन आते हैं। एलिजिबिलिटी है 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। फीस पे आ जाते हैं तो 3.5 लाख रुपए फीस है। प्लेसमेंट पे आ जाते हैं तो 100% प्लेसमेंट देता है ये कॉलेज। एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है इग्नू और NCHMCT से। नंबर 6 पे आ जाता है बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की है न्यू दिल्ली में। कोर्स ऑफर करता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT जो कि 4 साल का कोर्स है। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा IPU CET। इस टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है, मीडियम होता है वो इंग्लिश में होता है, ड्यूरेशन होती है 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे की, और हर गलत मार्क्स पे 1 नंबर डिडक्ट होते हैं मतलब माइनस मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं 20%, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस 30% क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज ऑफ अकाउंट और कॉमर्स एंड साइंस 20% क्वेश्चन आते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो 10+2 50% मार्क्स के साथ आप कर सकते हैं। इंग्लिश मस्टीज पे आ जाते हैं तो होटल मैनेजमेंट की फीस यहाँ पे 4.5 लाख रुपए है। प्लेसमेंट इस कॉलेज का 100% है, प्राइवेट कॉलेज है, एफिलेट है गुरु गोविंद सिंह इंट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जो कि AICTE अप्रूव्ड है। नंबर 7 पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन HM चेन्नई। कोर्स ऑफर करता है BSc डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का है, मास्टर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का है। एंट्रेंस एग्जाम NCHMCT JEE नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी है 10+2 इंग्लिश के साथ। फीस पे आ जाते हैं तो 3.5 लाख रुपए फीस है इस कोर्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं तो स्टार्ट होता है मई से, एंट्रेंस टेस्ट होता है जून में, रिजल्ट आता है जुलाई में, काउंसलिंग अगस्त में हो जाती है और सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। प्लेसमेंट पे आ जाते हैं तो इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट 100% है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है इग्नू और NCHMCT से। नंबर 8 पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन लखनऊ जो कि है IHM लखनऊ। कोर्स ये ऑफर करता है BSc डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का है, मास्टर ऑफ साइंस MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का है, डिप्लोमा कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन में। एंट्रेंस एग्जाम पे जाते हैं तो NCHMCT JEE नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एग्जाम आप दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी है 10+2 विद इंग्लिश। इस कोर्स की फीस 2,25,000 रुपए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है मई में, एंट्रेंस टेस्ट जून में हो जाते हैं, वहीं रिजल्ट जुलाई तक आ जाता है और काउंसलिंग अगस्त में शुरू हो जाती है, फिर अगस्त में ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी 100% है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है इग्नू और NCHMCT से। नंबर 9 पे आ जाता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो कि बैंगलोर में है। ये कोर्स ऑफर करता है BHM बैचलर ऑफ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। एंट्रेंस एग्जाम है AIHMCT WAT रिटर्न एडमिशन टेस्ट। एग्जाम पैटर्न में ऑनलाइन टेस्ट 3 घंटे का होता है जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का हर क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, साइंस एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। एलिजिबिलिटी है 12th पास और इस कॉलेज में केवल वही एडमिशन ले सकता है जिसके बैकग्राउंड आर्मी है, जिसके पेरेंट्स आर्मी में थे। फीस पे आ जाते हैं तो 6.5 लाख रुपए फीस है इस कोर्स की इस कॉलेज से। प्लेसमेंट इसका 100% है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो एफिलेटेड है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। और वही नंबर 10 पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन कोलकाता IHM कोलकाता। कोर्स ये ऑफर करता है BSc डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का है, मास्टर ऑफ साइंस MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन फुल टाइम कोर्स जो कि 2 साल का है, डिप्लोमा कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन में। एंट्रेंस एग्जाम NCHMCT नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी है 10+2 इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। टेस्ट पैटर्न पे आ जाते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड एंड सर्विस सेक्टर। करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं, वही इनकरेक्ट पे माइनस मार्किंग है। फीस इसकी है 2,80,000 रुपए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है मई में, एंट्रेंस एग्जाम जून में होते हैं, वही रिजल्ट जुलाई में आ जाता है, काउंसलिंग अगस्त में होती है, वही सेशन भी अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। प्लेसमेंट इसका 100% है, ये कॉलेज गवर्नमेंट है जो की
एफिलिएटेड है इग्नू और NCHMCT से। तो ये थे टॉप 10 कॉलेज इंडिया में होटल मैनेजमेंट के। इन सारे कॉलेज का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, जहां मिनिमम सैलरी 15,000 पर मंथ तक मिली है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए। प्ले लिस्ट में और भी वीडियो है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।